भारत में मौजूद है, जिसकी यात्रा अखिलेश यादव खुद बैठकर लखनऊ से होते हुए कानपुर और फिर हमीरपुर जाकर के ख़त्म करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये वो रथ है जिसने बीते दो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता रहे हैं, खुद अखिलेश यादव बीते चुनाव में जगह जगह गए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत होती हुई भी दिखाई दी थी। सबसे पहले हम इस रथ के बारे में बताएंगे, ये जो सीटें लगी हुई हैं और सीटों के अलावा ये हाइड्रोलिक एक लिफ्ट लगी हुई है इसके अंदर। ये लिफ्ट सीधे ऊपर खुलती हुई है, ऊपर खुलती है जिसमें जो छत पर ये रास्ता निकलता है और ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी अखिलेश यादव छत पर से मीडिया को संबोधित करते हैं या फिर जनता के बीच निकलते हैं तो वो यही वो रास्ता है, इसी से वो ऊपर जाते हैं। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसान मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और उन मुद्दों को लेकर इस गाड़ी के जरिए अखिलेश यादव जनता के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और प्रयास करेंगे कि बीजेपी की नाकामियों को इस बार वो जनता के बीच पहुंचा सके और इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होए। इसके अलावा ये एक वेटिंग रूम भी है, यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हम कि ये एक वेटिंग रूम है, इसमें टीवी भी लगी हुई है और इसके अलावा सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी अखिलेश यादव समय बिताते हैं जब यात्रा में निकलते हैं। तो ये वो रथ है जिस पर 12 तारीख से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाने वाले हैं, जिसमें कानपुर से होते हुए वो हमीरपुर जाएंगे और बीजेपी सरकार की नाकामियां बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर की घटना के बाद, लखीमपुर से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस बात लेकर भी और इस न्याय की लड़ाई को लेकर भी वो जनता के बीच जाएंगे और प्रयास करेंगे कि 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, बेरोजगारी यानी जमीनी मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर लड़ा जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।